हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा पढ़ने जा रहे हैं डिराइव एन इक्वेशन ऑफ टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक नीडल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेटिक नीडल को हम प्लेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें कितना टॉर्क अप्लाई होता है, इसके बारे में आज पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर ये जो बी है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रखी है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसके साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो एंगल है वो थीटा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। आप जानते हो यहाँ पे साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, और साउथ और नॉर्थ के बीच का यहाँ पे बेटा जो डिस्टेंस है वो कितना, लेंथ कितना दिया है, 2L जितना लेंथ होता है वो फिक्स्ड होता है, क्लियर। तो टॉर्क का फॉर्मूला फाइंड करना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो पहले एक यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं, फोर, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है एस डी एन। अगर उसमें साइन थीटा की वैल्यू हम फाइंड करें तो साइन इज इक्वल टू अपोजिट और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, मतलब एस एन, ठीक है। तो एन डी इज इक्वल टू क्या होगा, एस एन इंटू साइन थीटा। अभी एस एन की वैल्यू आप जानते हो 2L है, इंटू ए हो गया साइन थीटा, ठीक है। चल एन डी की वैल्यू मिल गई यहाँ पे आपको, ए ऑपोजिट यहाँ पे जो साइन है, क्योंकि हम जब टॉर्क के बारे में बात करते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, इसलिए एन डी की वैल्यू हमने एडवांस में ही फाइन कर ली है, ठीक है। अभी फोर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ऑन एस पोल, एस पोल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो माइनस क्यू एम, क्यू एम मतलब पोल स्ट्रेंथ बोला था हमने, ठीक है। और याद करो हम ऐसा फॉर्मूला था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो यहाँ पे क्यू की जगह पे क्यू एम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। वैसे ही जो नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल पर फोर्स कितना होगा, तो प्लस क्यू एम इंटू बी, दोनों का मैग्नीट्यूड लोगे तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है टॉर्क का, टॉर्क टर्म इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस, ठीक है। चलो फोर्स तो हमारे पास कौन सा है, क्यू एम इंटू बी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं, तो ये 2L कितना हो गया, साइन थीटा, आया समझ में। तो ये जो फॉर्मूला है क्यू एम बी अने क्रॉस यहाँ पे बेटा क्या हो गया अपने पास, साइन थीटा। अभी आप जानते हो कि जब भी इसमें हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तब ये क्रॉस सिंबल निकल जाता है और पूरा मर्ज हो जाएगा, तो क्यू एम बी ब्रैकेट में 2L साइन थीटा, डन। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो वैल्यू है उसमें क्यू एम इंटू 2L जो है, क्यू एम इंटू 2L उसको मैग्नेटिक डाइपोल बोला था हमने, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो A हो गया M, मतलब एम बी साइन थीटा हो गया। और अगर साइन थीटा निकालना और वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो एम क्रॉस बी हो गया अपना फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम क्रॉस बी, एम मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी, एक तो साइन थीटा निकालना है और जो दोनों पोल है उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में वहाँ पे लिखना है, तो दोनों फार्मूला इसमें से आप डिराइव कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, राइट द इक्वेशन ऑफ अ टॉर्क
on a needle placed in a uniform magnetic field and obtain the equation of its periodic time. तो ये जो डायग्राम है इस थ्योरी में आपको पूरा डायग्राम एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ करना है, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नीडल प्लेस कर रहे हैं तो सेम ही हुआ, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. ठीक है, चलो. तो एक तो अपना यहाँ पे ये क्लियर हो गया. अभी देखो यहाँ पे जो भी टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आप जानते हो कि टॉर्क ऑन ए नीडल, नीडल पे टॉर्क कितना अप्लाई होता है, तो टॉर्क टॉर्क इज इक्वल टू हमने लिखा एम क्रॉस बी. इसका मैग्नीट्यूड फिर से हम ले तो एम बी साइन थीटा लिख सकते हैं, डन. बट देखो यहाँ पे जो एंगल होता है थीटा एंगल होता है वो बहुत ही स्मॉल है. इफ थीटा इज टू स्मॉल तो क्या हो सकता है, थीटा साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा होगा. ठीक है, साइन थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ओनली थीटा, तो हो गया एम बी थीटा. इसको नंबर फर्स्ट दो हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला का. ठीक है, चलो. दूसरा हमारे पास बेटा एक इक्वेशन था, टॉक टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. कौन सा था, टॉक टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. कैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन था, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं और एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आता है. ठीक है, तो टॉक टाइम इज इक्वल टू आई अल्फा. अभी अल्फा जो है वो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टू टाइम्स डेरिवेशन है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं. ये हो गया नंबर सेकेंड, क्लियर. अभी नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड है, उसको दोनों को, इस दोनों को फॉर्मूला को हम बेटा क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं. बट यहाँ पे जो नेगेटिव एक साइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होता है ना वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है. आपने देखा होगा कंपास में भी कि जब नीडल ऐसे घूमती है तो फिर से थोड़ी देर के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन एक्वायर करने की ट्राई कर रही है, मतलब उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क होता है. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन का यूज करते हैं. तो फर्स्ट का इक्वेशन तो एम बी, उसकी जगह पे लिखेंगे माइनस एम बी थीटा, और यहाँ पे आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, डी टी स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर, तो यहाँ पे पहले तो आई से डिवाइड कर देते हैं, और डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर और माइनस एम बी बाय आई इंटू थीटा. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिस्टोरिंग फोर्स. चलो यहाँ पे लेके आते हैं डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर प्लस एम बी बाय आई इंटू थीटा इज इक्वल टू जीरो. चलो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला था जिससे इक्वेट करते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो. ऐसा फॉर्मूला था आपने 11 साइंस में, इक्वेट करो तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी बाय आई. इससे हमें क्या पढ़ना, पीरियोडिक टाइम का फाइंड करना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, एम बी बाय आई. चलो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू पाई बाई टी ओमेगा की जगह पे, तो ये हो गया एम बी बाय आई. तो इसको मतलब ये टू पाई हो जाएगा, ऊपर की साइड आई और नीचे एम बी, हो गया अपना डी इक्वेशन. ठीक है, तो पूरा इस तरह से टॉर्क का यूज़ करने के बाद ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है. ओके,
deduce an expression for the potential energy of a bar magnet in a uniform magnetic field and discuss its special cases. ठीक है, uniform potential energy of a bar magnet. देखो पहले तो uniform magnetic field draw करते हैं. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब बार मैग्नेट रखते हैं साउथ और ये नॉर्थ पोल, तो इसमें आपको कितनी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी लिख देते हैं. द पोटेंशियल एनर्जी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड U इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है एनर्जी, मतलब वन काइंड ऑफ वर्क. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे बेटा क्या लेंगे, टॉर्क. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसलिए. क्लियर. बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आपको बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा डी थीटा के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन. चलो ये हो गया एम बी साइन थीटा, तो फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव कर चुके हैं. इसमें से एम बी एम जी एम बी निकल गया कॉमन, साइन का हुआ माइनस कॉस थीटा. क्या हुआ, माइनस कॉस थीटा. चलो अभी यहाँ पे लिमिट कौन सी हमें अप्लाई करनी है, तो वहाँ पे थीटा ही रखेंगे तो भी चलेगा, इसलिए जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला आया माइनस एम बी कॉस थीटा. और अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो एनर्जी थी उसमें थी माइनस पी ई कॉस थीटा. आया समझ में, वहाँ पे पी था तो यहाँ पे एम है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल था तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड है. वो सारे टर्म्स वही है इस चैप्टर में, बट आपको जस्ट क्या करना है, इसके जो सिंबल है वो सारे क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे. चलो स्पेशल केसेस में लेते हैं अभी. मान लो कि थीटा इज इक्वल टू जीरो है फर्स्ट केस में, तो यू इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, एम बी ओनली हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि कोस जीरो वन होता है. थीटा इज इक्वल टू माइनस वन 180 है, अगर 180 है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि कोस 180 होता है, माइनस वन तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो फर्स्ट केस में जो आपको दिया है उसमें माइनस एम बी जो है थीटा एंगल में मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द मैग्नेट इज द मोस्ट स्टेबल पोजिशन. यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट स्टेबल पोजिशन. याद रखना एमसीक्यू में पूछा जाता है भैया, इसको हाईलाइट कर देना. बार मैग्नेट मोस्ट स्टेबल पोजीशन में कौन से एंगल पे होता है, जीरो डिग्री पे. ठीक है, चलो 180 बेटा जब लिया तब है मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन. ये कौन सा है, मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन. ठीक है, और सबसे लास्ट में है थीटा इज इक्वल टू 90. अब 90 में जानते हो तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सा हो जाएगा, जीरो. दैट मीन्स वहाँ पे तो परपेंडिकुलर होगा, कोई ऐसी कोई कंडीशन वहाँ पे होगी ही नहीं. ठीक है, तो जीरो डिग्री है तो मोस्ट स्टेबल पोजीशन, 180 डिग्री है तो मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन. क्लियर, तो बस ऐसे पूरे जो फॉर्मूलाज है, ठीक है, डिराइवेशन है वो आप यहाँ पे याद रख सकते हो. ओके, उसके बाद का उसके बाद के दो क्वेश्चन हैं. राइट द एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म. मतलब वन साइड आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का लिखना है और दूसरी साइड आपको मैग्नेटिज्म का लिखना है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सिंबल ई था, तो सामने मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है. ठीक है, यहाँ पर चार्ज होता है तो वहाँ पर पोल स्ट्रेंथ था, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्यू बोलते थे, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ में क्यू एम लिखते हैं हम.
ठीक है। तो वैसे ही पूरा एक टेबल दिया है, वैसे ही सेम टेबल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक्स के बारे में, वो भी उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। टॉर्क कितना अप्लाई होता है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉर्क का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई था, तो इसमें फॉर्मूला कितना आया अपना एम क्रॉस बी आया। तो दोनों का वैसे कंपेरिजन के दो टेबल है, वो आप पढ़ सकते हो, और हमने पूरे टेबल में सब करवा दिया है, तो दोनों टेबल अपने आप भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।